नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सिंगिंग डैडी पर। और सबसे पहले तो आप सभी को, सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज दिल बहुत उदास है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि दिल्ली में एक युद्ध जैसा हालात बन चुका है और एक लड़ाई सी छिड़ चुकी है किसानों के बीच में और जवानों के बीच में। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला ये देश, आज जवान और किसान दोनों आमने सामने हैं और टकरा रहे हैं आपस में। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि किसान 50 से भी ज्यादा दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए थे, इस ठंड में, बरसात में और काफी सर्दी के मौसम में, हर मौसम को सहते हुए अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पे थे। तो आज का दिन उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि वो दिल्ली के अंदर मार्च करेंगे और दिल्ली सरकार ने भी उनको अनुमति दी हुई थी कि आप स्पेसिफिक एक टाइमिंग था कि 12 बजे से 5 बजे तक, और एक स्पेसिफिक रूट दे रखा था कि इस रूट में आप आ सकते हैं और अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हुआ दोस्तों, अचानक कि सुबह 8:30 पहली बैरिकेडिंग तोड़ी गई और किसान दिल्ली के अंदर घुसना शुरू हो गए। तो मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले तो किसान अपना टाइमिंग से पहले अंदर आना शुरू हो गए। उसके बाद ट्रैक्टर इतने ज्यादा थे कि जिसका दिल्ली सरकार को शायद ना कोई अंदाजा था और ना ही कोई ऐसी इनपुट थी, और ये एक मिसगाइडेड भीड़ थी, भीड़ कह लो इसे या फिर किसान कह लो, जो मिसगाइडेड थे, जिनका ना कोई नेता था जो उनको गाइड करे कि हमें किस हिसाब से आंदोलन को आगे लेकर जाना है और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है। सभी लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें दिल्ली के अंदर पहुंचना है, लाल किले पे जाना है और अपना झंडा वहां फहराना है। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो पोल के ऊपर चढ़ रहा है झंडा फहराने के लिए, तो उसके हाथ में जब तिरंगा झंडा दिया गया तो उसने तिरंगे झंडे को पकड़ के उसे फिर से फेंक दिया और उसने अपने एक धर्म विशेष का झंडा पकड़ा और उसे फहराने के लिए ऊपर गया। तो इससे ये क्लियर तो सबके सामने होता है दोस्तों कि ये जंग जो लड़ी जा रही है ये किसानों की और सरकार की नहीं है, इसमें किसी एक विशेष धर्म को अलग दिखाने के लिए ये सब किया गया था। और बहुत सारे इसमें एंटी सोशल एलिमेंट थे जो इस भीड़ के साथ साथ बीच में घुस गए और इस आंदोलन को सब खराब कर दिया, जो कि बहुत दिनों से शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली के बाहर बॉर्डर पे चल रहा था। आपने अगर देखा होगा तो लाल किले के अंदर एक धर्म विशेष का झंडा फहराया गया, जो कि जिस निशान साहब की सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मैं भी करता था, उसको उन्होंने आज तिरंगे के साथ में जाकर लगा दिया, एक धर्म विशेष बनाकर उसे वहां पे लगा दिया। तो इसका मतलब कुछ कहने का ये है कि ये किसान आंदोलन तो एक तरह से नहीं रहा, ये कुछ और आंदोलन था जिसको दिखाया गया लाल किले पे जाके कि ये किस चीज की, ये किसानों की पावर नहीं दिखाने के लिए था, ये किसी और धर्म खास या धर्म विशेष की पावर को दर्शाता है कि वो अपनी पावर दिखाने के लिए उन्होंने जाके दिल्ली में ये ऐसा झंडा अपने धर्म का फहराया हुआ। यही तथाकथित किसान आज आपको दिखे दोस्तों, जो ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने के लिए उनके पीछे ट्रैक्टर अपने भगाते रहे और पुलिस वाले किसी तरह से वहां से जान बचाते हुए आगे पीछे भागते रहे। तो आज के हालात को देख के मैं दोस्तों ये कहूंगा कि आज पुलिस वाले अगर चाहते तो, या सरकार चाहती तो आज बहुत ही बड़ा कांड देश में हो सकता था। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा दिल्ली पुलिस की और सरकार की, जिन्होंने हालात को बिगड़ने नहीं दिया, जो जितना कम से कम नुकसान में उसे रोका जा सकता था सिचुएशन को, उसी सिचुएशन को वहीं पे रोक लिया। नहीं तो आज हालात कुछ बहुत ज़्यादा खराब हो सकते थे, देश में दंगे और बढ़ सकते थे। और मैं साथ में बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो किसान नेता बहुत जोरों शोरों से पिछले काफी दिनों से टीवी पे चढ़े हुए थे, बने हुए थे, वो आज कहीं देखने को नहीं मिले हैं। वो सब ये दंगे शुरू होने के साथ ही गायब हो गए, ना तो उन्होंने कोई भीड़ को रोका। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक प्रदर्शन था, ये था बिना किसी लीडर के प्रदर्शन। तो जो भी कोई प्रदर्शन ऐसे होते हैं जिसमें कोई नेता नहीं होता या कोई एक डायरेक्शन नहीं होती, वो हमेशा इस तरह से ही होते हैं जिसमें कब दंगे हो जाएं कोई पता नहीं रहता, क्योंकि उस भीड़ को लेकर जाने वाला कोई नहीं होता, सब अपने आप में ही राजा होते हैं, जिसका जैसा मन आता है वो वैसा करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये एक बहुत ही खराब प्रदर्शन था, जो कि आज से 50 दिन से भी ज़्यादा टाइम से बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, वो जिसकी दाद दे रहे थे लोग कि बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शन चल रहा है, कोई नुकसान नहीं है, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ है, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, बट आज एक दिन में वो सब धज्जियाँ उड़ गई। उस जो भी बड़ी बड़ी बातें थी उन सब आंदोलनों की, जो लोग टीवी पे या न्यूज़ पे दिखाए जा रहे थे पुलिस को खाना खिलाते हुए, आज वही लोग पुलिस को ट्रैक्टर के नीचे कुचलने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। तो बहुत ही शर्मनाक हरकत है ये, और मैं आप सबसे ही अनुरोध करूंगा कि आप लोग प्लीज़ सजेशन ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है
कि पुलिस को ऐसे लोगों के अगेंस्ट कैसा एक्शन लेना चाहिए था और क्या जो पुलिस ने अभी एक्शन लिया है उतना सही है या कुछ और एक्शन लेना चाहिए था सरकार को और आगे सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि अभी 15 जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं वो बुला ली गई हैं, कंपनीज को बुला लिया गया है दिल्ली के अंदर और सरकार ने भी आदेश दे दिए हैं दिल्ली पुलिस को कि थोड़ा जो भी ये दंगई हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं कि ये मेरी वीडियो किसी एक धर्म विशेष के अगेंस्ट में नहीं है, ये वीडियो बनाने का मेरा बस इतना पर्पस है कि जो आज मैंने, हो सकता है मैंने दंगे की एक साइड देखी हो तो मैं उसके आधार पर वीडियो बना रहा हूँ। इस दंगे में एक किसान की भी मौत हुई है, कुछ लोगों का कहना यह है कि वो ट्रैक्टर पे था और ट्रैक्टर से गिरने से उसकी मौत हुई है, बट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पुलिस की गोली लगने से मौत हुई है। लेकिन अगर गोली चली होती आंदोलन में तो एक मौत नहीं होती, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। जो जिनकी जान इस आंदोलन में गई है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जिन लोगों को इस आंदोलन में जख्मी हुए हैं या चोटें लगी हैं वो भी जल्दी से जल्दी रिकवर करें और ये आंदोलन जल्द से जल्द, जो भी ये दंगे हो रहे हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, हम भगवान से यही दुआ करेंगे। और अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से आगे एक्शन होना चाहिए सरकार का और किस तरह से किसानों को आगे बिहेव करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।